हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। कंपैरिजन मींस व्हाट? कंपैरिजन मींस हमें बताना है कि विच नंबर रैशनल नंबर इज स्मॉलर एंड विच नंबर रैशनल नंबर इज ग्रेटर, यानी कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है, यही हमें बताना है कंपैरिजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स में। तो आपको मालूम है कि फॉर एनी टू नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, द नंबर विच इज ऑन द लेफ्ट साइड इज स्मॉलर देन द नंबर विच इज ऑन द राइट हैंड साइड। यानी अगर हमें नंबर लाइन पे कोई भी दो नंबर्स गिवन है तो जो नंबर लेफ्ट में है वो स्मॉलर होगा और जो नंबर राइट में है वो ग्रेटर होगा। यानी जैसे हम कंपेयर करेंगे, सपोज वी आर कंपेयरिंग 2 and 5, तो आप देख सकते हो कि 5 इज ऑन द राइट हैंड साइड एंड 2 इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर नंबर 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है। सिमिलरली अगर हम कंपेयर करें 0 और 3 को, तो 0 इज स्मॉलर देन 3 बिकॉज 0 इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 3 इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑन द नंबर लाइन। अगर हम कंपेयर करें पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 3 को, हम कंपेयर कर रहे हैं पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 3 को, तो यहाँ पे नेगेटिव 3 इज स्मॉलर। क्यों? बिकॉज नेगेटिव 3 इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड पॉजिटिव 2 इज ऑन द राइट हैंड साइड, इसलिए नेगेटिव 3 इज स्मॉलर देन नेगेटिव 2। तो अभी हमने कौन से नंबर्स कंपेयर किए? हमने कंपेयर किया 2 इज स्मॉलर देन 5, उसके बाद में हमने कंपेयर किया 0 इज स्मॉलर देन 3 एंड थर्ड नंबर, और हमने देखा कि नेगेटिव 3 इज स्मॉलर देन 2, नेगेटिव 3 इज स्मॉलर देन 2। ठीक है। यानी यहाँ पे हमने क्या समझा कि किसी भी पॉजिटिव नंबर से 0 स्मॉलर है, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव नंबर्स राइट में हैं और 0 है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो सभी पॉजिटिव नंबर्स से 0 स्मॉलर है, और उससे स्मॉलर है नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स और 0 के दोनों के लेफ्ट साइड में है, इसलिए नेगेटिव नंबर्स भी स्मॉलर है। नेगेटिव नंबर सबसे स्मॉलर है, उससे ग्रेटर है 0 और उससे ग्रेटर है पॉजिटिव नंबर्स। अब अगर हम कंपेयर करें द टू नेगेटिव नंबर्स, जैसे नेगेटिव 4, हम कंपेयर करें नेगेटिव 4 और नेगेटिव 1 को, तो विच नंबर इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? यस, नेगेटिव 4 इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर नेगेटिव 4 इज स्मॉलर देन नेगेटिव 1, नेगेटिव 4 इज स्मॉलर देन नेगेटिव 1। ठीक है। अब चलिए और कुछ एग्जांपल्स हम समझते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, नेगेटिव 5 एंड 3। तो इफ वी हैव टू गिव द प्रॉपर साइन लाइक स्मॉलर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो यहाँ पे इस बॉक्स में हम कौन सी साइन देंगे, स्मॉलर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन? तो नेगेटिव 5 जो है, कोई भी नेगेटिव नंबर किसी भी पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर होता है, इसलिए नेगेटिव 5 इज स्मॉलर देन पॉजिटिव 3। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, हमको कंपेयर करना है 6 और 0 में, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 6 इज ग्रेटर देन 0। ओके। और कुछ और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें कंपेयर करना है सपोज नेगेटिव 4 एंड 0, तो नेगेटिव 4 कोई भी नेगेटिव नंबर इज स्मॉलर देन 0, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट में है, देयरफॉर नेगेटिव 4 इज स्मॉलर देन 0। ओके। हम और कुछ एग्जांपल्स के साथ में समझेंगे कि रैशनल नंबर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है। तो अब हमें रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमें कंपेयर करना है 0 एंड 5 अपॉन 2, तो अगेन किसी भी 0 नंबर से पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर ग्रेटर होते हैं, देयरफॉर 0 इज स्मॉलर देन 5 अपॉन 2, 0 इज स्मॉलर देन एनी पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट नंबर 2, हम कंपेयर करेंगे नेगेटिव 2 अपॉन 3 एंड 0 को, तो यहाँ पे कौन सा नंबर ग्रेटर या स्मॉलर है? तो एनी नेगेटिव नंबर इज स्मॉलर देन 0, देयरफॉर नेगेटिव 2 अपॉन 3 इज स्मॉलर देन 0। ओके। चलिए नेक्स्ट कंपेयर करते हैं नंबर 5 अपॉन 3 एंड आई से नेगेटिव 8 अपॉन 2, तो यहाँ पे कौन सा नंबर स्मॉलर या ग्रेटर है? एनी नेगेटिव नंबर इज स्मॉलर देन एनी पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर 5 अपॉन 3 विल बी ग्रेटर देन
नेगेटिव 8 अपॉन 2। अच्छा, आपको इसी के साथ ये भी नंबर मालूम है कि ये तो एक नेगेटिव हुआ, एक पॉजिटिव हुआ, एक ज़ीरो हुआ, एक नेगेटिव हुआ। लेकिन अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं या दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं तो फिर कैसे कंपेयर किया जाए? अब आपको यहाँ पे ये भी एक मालूम है बात कि जैसे 5/3 एंड 8/3, तो फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स इफ देयर डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। अब इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो जिस नंबर का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो नंबर ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे 5 से 8 ग्रेटर है, देयरफॉर 5/3 इज स्मॉलर देन 8/3। डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो न्यूमरेटर को देखना है, जो न्यूमरेटर ग्रेटर वो नंबर भी ग्रेटर। जैसे हमें कंपेयर करना है, सपोज वी हैव टू कंपेयर नेगेटिव 1/4 एंड नेगेटिव 5/4। तो फिर से यहाँ पे डिनोमिनेटर्स इक्वल है, नेगेटिव 1 और नेगेटिव 5 में कंपेयर करिए तो नेगेटिव 1 इज ग्रेटर देन नेगेटिव 5। आपको मालूम है नेगेटिव 1 राइट साइड में है, नेगेटिव 5 लेफ्ट साइड में है। देयरफॉर नेगेटिव 1 इज ग्रेटर देन नेगेटिव 5, देयरफॉर नेगेटिव 1/4 इज ग्रेटर देन नेगेटिव 5/4। ओके, तो हमने देख लिया कि अगर नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव है, नेगेटिव या ज़ीरो है तो कैसे कंपेयर करना है, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं तो भी कैसे कंपेयर करना है। तो अब हम ये देखेंगे कि इफ़ डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल देन हाउ टू कंपेयर द नंबर्स। यहाँ तक डिनोमिनेटर्स इक्वल थे, अब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो कैसे कंपेयर करेंगे वो देखिए। नाउ सपोज वी हैव टू कंपेयर टू नंबर्स, नेगेटिव 2/3 एंड नेगेटिव 5/8। इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है तो आपको यहाँ पे एक रूल ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। इफ़ a/b एंड c/d दीज आर द टू रैशनल नंबर्स एंड वेयर b एंड d इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, b, d इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो दीज आर रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे तीन रूल हैं। सबसे पहले क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। a इज विल बी मल्टीप्लाइड टू d एंड c, b एंड c विल बी मल्टीप्लाइड टू ईच अदर। तो लेफ्ट साइड में लिखना है a इंटू d एंड राइट साइड में लिखना है b इंटू c। अब यहाँ पे तीन केस पॉसिबल हैं। नंबर 1, a इंटू d इज लेस देन b इंटू c, या तो a इंटू d का प्रोडक्ट स्मॉलर है इससे। सेकंड केस, a इंटू d इज इक्वल टू b इंटू c, वो दोनों इक्वल हैं। या फिर थर्ड केस पॉसिबल है, a इंटू d इज ग्रेटर देन b इंटू c। ये तीन केस ही पॉसिबल है, या तो लेफ्ट वाला साइड ग्रेटर है, स्मॉलर है, या तो ग्रेटर है, या तो इक्वल है। तो अगर ये तीन केस हैं तो इनका कंपैरिजन कैसे करना है वो देखिए। इफ a इंटू d इज स्मॉलर देन b इंटू c, देन फर्स्ट रैशनल नंबर विल बी स्मॉलर देन सेकेंड रैशनल नंबर। मतलब a/b विल बी स्मॉलर देन c/d। ओके, अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो दोनों नंबर्स भी इक्वल होंगे, a/b इक्वल्स टू c/d। और अगर फर्स्ट प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द सेकेंड प्रोडक्ट, मतलब a इंटू d का प्रोडक्ट ग्रेटर है b इंटू c के प्रोडक्ट से, तो फर्स्ट नंबर विल बी ग्रेटर, a/b विल बी ग्रेटर देन c/d। इसको ध्यान में रखिए। अब यही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मीन्स विल फाइंड नेगेटिव 2/8, इसका प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। तो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव 2/8, इट इज़ नेगेटिव 16। अब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे नेगेटिव 5 और 3 का, नेगेटिव 5/3 इज़ नेगेटिव 15। तो ये जो पहला प्रोडक्ट है वो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे और दूसरा प्रोडक्ट हम राइट साइड में लिखेंगे। अब इन दोनों का कंपेयर करिए, तो नेगेटिव 16 और नेगेटिव 15 में क्या कौन स्मॉलर या ग्रेटर है, तो नेगेटिव 16 इज स्मॉलर देन नेगेटिव 15। एंड क्योंकि पहला प्रोडक्ट वो स्मॉलर है, देयरफॉर फर्स्ट नंबर विल बी स्मॉलर, देयरफॉर नेगेटिव 2/3 इज स्मॉलर देन नेगेटिव 5/8। क्लियर हो गया आप सबको? तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और जो जैसा केस है वैसा आपको कंपेरिजन में आंसर लिखना है। और एक एग्जाम्पल से ये हम जो है कंसेप्ट समझते हैं। नाउ वी हैव टू कंपेयर 4/7 एंड 7/9।
अगेन वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब हम 4 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9 के साथ, 4 9 36, 7 विल बी मल्टीप्लाइड टू 7, 7 7 49। अब पहला वाला प्रोडक्ट लेफ्ट में लिखिए, दूसरा वाला प्रोडक्ट राइट में लिखिए। 36 और 49 में कंपेयर करेंगे तो 36 इज स्मॉलर देन 49 एंड देयरफॉर 4 अपॉन 7 इज स्मॉलर देन 7 अपॉन 9। इन दिस वे वी विल कंपेयर टू रैशनल नंबर्स। ओके,